हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम आदाब, कैसे हैं दोस्तों? आपका स्वागत है फिर से मेरे व्लॉग में और मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं अर्टिगा के एलेक्साई वर्जन का वॉक अराउंड वीडियो और ये क्विक वॉक अराउंड रहने वाला है। लगभग 10 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपको अर्टिगा के एलेक्साई वर्जन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है, क्या इंजन कैपेसिटी है, पूरा डिटेल ये वॉक अराउंड वीडियो रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बोनट डिज़ाइन के साथ में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको मिल जाता है स्टाइलिश, आपको बोनट डिज़ाइन जिसमें मिल जाती है लगभग 4 कैरेक्टर लाइंस आपको, जो काफ़ी स्टाइलिश दिखती है, काफ़ी स्पोर्टी बना देती हैं इस कार को। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट के साथ में, तो आपको यहाँ मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में हेलोजन लाइट्स के का ऑप्शन भी। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हेलोजन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों फोग लाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है एलेक्साई में, बट काफ़ी स्टाइलिश आपको फोग लाइट की असेंबली यहाँ अवेलेबल हो जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश मिलता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी ग्रिल के साथ में, तो आपको मिल जाती है स्पोर्ट ग्रिल। अगर मैं बात करूँ आपको मिल जाती है ब्लैक स्मोक के साथ में पूरी की पूरी। और आप एलेक्साई के बाद अगर VXI लेते हैं या ZXI वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको क्रोम के साथ ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी ग्रिल आपको यहाँ मिल जाती है और काफ़ी ओपन ग्रिल मिलती है दोस्तों, जिससे एयर का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल पाता है इंजन के साथ में। आपको इंजन ठंडा गर्म करने में भी सहूलियत अदा करती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस की। तो आपको इसका एक्सशोरूम प्राइस मिल जाता है दिल्ली के अंदर 769 का, जो काफ़ी बढ़िया प्राइस मिलता है आपको 7 सीटर फैमिली कार के साथ में। अगर बात करें तो कंपटीशन में कोई 7 सीटर फैमिली कार अवेलेबल भी नहीं होती। अगर एक आप फैमिली कार लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अर्टिगा एलेक्साई वैल्यू फॉर मनी बजट के साथ में अवेलेबल हो जाती है। बस आपको छोटा मोटा कस्टमाइजेशन इसमें कराना पड़ता है। अगर बात करें इसके साइड प्रोफाइल के साथ में, तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश साइड प्रोफाइल आपको यहाँ मिल जाता है देखने के लिए। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ इसके साइड प्रोफाइल के साथ में, तो फेंडर लाइन पे ही आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। आपको अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के साथ में, बट आप इसको पेंटेड करा सकते हैं। लगभग 1500-1600 रुपये लगते हैं पेंट कराने में। डोर हैंडल भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ में। बात करते हैं इसके सी पिलर के साथ में, तो आपको मिल जाता है ब्लैक टेप आउट के साथ में यहाँ पर, और बाकी AB पिलर आपको मिल जाता है सेम कलर के ऑप्शन के साथ में। बाकी इसके टायर साइज़ की भी बात कर लेते हैं, आपको मिल जाते हैं सभी के सभी ट्यूबलेस टायर ऑप्शन के साथ में, और 15 इंची के टायर्स अवेलेबल होते हैं। आपको व्हील कवर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है एलेक्साई वर्जन में, व्हील कैप का ऑप्शन ही अवेलेबल होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसकी कीज़ के बारे में, तो आपको मिल जाती है नॉर्मल की, सेंट्रल लॉक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है आपको इसमें, बेसिक अवेलेबल होती है चाबियाँ इसकी। बाकी आप इसका प्रोफाइल देख सकते हैं, काफ़ी साइड से बढ़िया दिखती है गाड़ी और काफ़ी बड़ी गाड़ी है, मल्टीपर्पज से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसकी रियर लाइट्स के बारे में, तो आपको मिल जाती है काफ़ी स्टाइलिश दिखने वाली LED कॉम्बिनेशन के साथ में रियर लाइट, और साथ में मिल जाता है आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, आपको मिल जाता है स्पोर्ट बम्पर 4 आइस पार्किंग सेंसर के साथ में, और आपको मिल जाता है इसी में रिफ्लेक्टर लाइट्स के भी ऑप्शन। अगर दूसरे प्रोफाइल में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ मिल जाता है अर्टिगा का बैजिंग आपको साथ में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सुजुकी की बैजिंग दोस्तों साथ में। और ऊपर की तरफ बात करें तो आपको हाई माउंट लैंप भी मिल जाती है दोस्तों इसी के अंदर। बाकी दोस्तों एलेक्साई वर्जन तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाता है डुअल टोन का प्रीमियम इंटीरियर। अगर बात करें इसके विंडो के बारे में, तो काफ़ी ओपन विंडो खुलती हैं, काफ़ी ओपन खुल जाती हैं। उसके अलावा विंडो में आपको जो अवेलेबल हो पाती हैं चीज़ें वो बता देते हैं। आपको मिल जाते हैं चारों पावर विंडो के ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे, आपको नॉर्मल सेंट्रल लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं बेसिक से आपको नॉर्मल प्लास्टिक में ही आपको मिलता है डोर हैंडल। उसके अलावा ट्रिम्स आपको मिल जाती है प्लास्टिक ट्रिम के साथ में, साथ में आपको मिल जाता है छोटा मोटा बोतल होल्डर के अलावा पेपर होल्डर का स्पेस, स्पीकर का स्पेस। स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं दोस्तों एलेक्साई वर्जन में। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं अंदर के इंटीरियर के बारे में, तो देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाता है डुअल टोन का इंटीरियर यहाँ पे, जो ब्लैक एंड बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में अवेलेबल होता है। मिल जाता है आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन। बाकी दोस्तों आपको सभी पैसेंजर के लिए मिल जाता है इंटीग्रेटेड आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल हेडरेस्ट के ऑप्शन सभी के सभी। देख सकते हैं दोस्तों वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट के साथ में, वो 7 सीटर फैमिली कार अवेलेबल होती है। आपको मिल जाती है केबिन में 2 लाइट्स के ऑप्शन। बाकी दोस्तों अंदर से आपको इंटीरियर का व्यू दिखा देता हूँ, काफी स्टाइलिश सा व्यू आपको दिख जाता है देखने के लिए। म्यूजिक स्टीरियो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है,
बट आप अपनी चॉइस से कस्टमाइज करा सकते हैं, कोई भी स्टीरियो फिट ऑन करा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इंटीरियर काफी बढ़िया दिखता है आपको। दोस्तों साइड में मिल जाते हैं आपको यहाँ पे आइडियली स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के बटन, हेडलाइट की लेवलिंग, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाता है, और आपको मिल जाते हैं नॉर्मल से एसी के वेंट्स सभी के सभी। बाकी दोस्तों ड्राइवर साइड से आपको व्यू दिखा देता हूँ, काफी स्टाइलिश व्यू मिल जाता है आपको। अर्टिगा के एलेक्साई वर्जन के साथ में आपको मिल जाते हैं डुअल एयरबैग एबीएस के ऑप्शन यहाँ पर, उसके अलावा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है आपको ग्लोव बॉक्स के साथ में। एसी के बटन मिल जाते हैं आपको बिल्कुल बेसिक टाइप में, आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी स्टीरियो अवेलेबल नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं स्टीरियो का स्पेस आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहाँ टू कप होल्डर्स विद एसी के कंट्रोल के साथ में, आपको कूलिंग के साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा ये एसी की आप गेयर नॉब देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश मिल जाती है, बट क्रोम का काम यहाँ नहीं मिलता है, और स्पेस के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। बाकी स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश आपको स्टीयरिंग मिल जाता है यहाँ पे विद एयरबैग के ऑप्शन के साथ में, आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो एयरबैग, उसके अलावा सिल्वर क्रोम के काम आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। बाकी आप मल्टी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख सकते हैं, जो आपको अर्टिगा के सभी मॉडल में मिलता है वो आपको एलेक्सा में भी सेम अवेलेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं वो आपको बता देता है लो फ्यूल के बारे में भी इंडिकेशन देता है, अगर विंडो कोई खुली है उसके बारे में भी बता देगा। बाकी बैटरी चार्ज कितनी हो रही है, क्योंकि दो बैटरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है आपको हाइब्रिड मॉडल के साथ में, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपको। बाकी बात करते हैं, आपको बैक व्यू मिरर मिल जाता है नॉर्मल, उसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे वैनिटी मिरर विदाउट वैनिटी मिरर के साथ में, जो आपका सनवाइजर है। उसके अलावा आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं पीछे वाले पैसेंजर केबिन के बारे में, तो स्पेस के मामले में तो अर्टिगा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है अर्टिगा के एलेक्सा वर्जन में भी देखने के लिए। उसके अलावा बस एक छोटी सी माइनर कमी रह जाती है आपको, एसी का वेंट बीच में अवेलेबल नहीं हो पाता है। बाकी आपको कूलिंग की सहूलियत बहुत बढ़िया मिलने वाली है, पीछे वाले स्पेस आपको देखिए आप, बहुत बढ़िया स्पेस है, और फोल्डेबल सीट आपको मिल जाती है, 50-50 फोल्डेबल ये सीट अवेलेबल होती है। उसके अलावा केबिन में बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है, आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, बट इंटीग्रेटेड आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं, आप हाइट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पीछे वाली विंडो भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको ओपन मिल जाती है, वो काफ़ी बड़ी ओपन होती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्लास आपको मिल जाता है इसके साथ में, और आपको मिल जाते हैं नॉर्मल से आपको डोर हैंडल, उसके अलावा पावर विंडो के स्विच आपको मिल जाते हैं, और जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे प्लास्टिक की क्वालिटी। बाकी पेपर होल्डर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर का स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, एंड उसके अलावा पीछे वाले केबिन में आपको चार्जिंग का सॉकेट नहीं अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों पीछे बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, आपको मिल जाता है फ्लैक्स फोल्डेबल, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस, आप पीछे वाली सीट को 50-50 फोल्ड कर सकते हैं और 100% फोल्ड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको हेडरेस्ट को नीचे करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा बन सकता है, बट पीछे एलेक्सा में आपको ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको नॉर्मल स्पेयर ही अवेलेबल होता है, नॉर्मल स्पेस मिल जाता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों के लिए। उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको मिल जाता है जैक रोड पाना रखने के लिए, पीछे की तरफ स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आवाज़ भी नहीं करता है। चलिए दोस्तों बात कर रहे थे इसके इंजन सीसी के बारे में, आपको मिल जाता है 1500 सीसी का पावरफुल इंजन जो आपको 1.5 लीटर का मिलता है। उसके अलावा अगर एवरेज की बात करें तो लगभग आपको मिल जाता है यहाँ पे 18 किलोमीटर के आसपास का माइलेज कंपनी क्लेम करते हैं, जो 7 सीटर फैमिली कार के अंदर ऑप्शन में बहुत बढ़िया है। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे हाइब्रिड इंजन के साथ में ये ऑप्शन, बाकी कस्टमर फीडबैक बहुत बढ़िया है। अगर आप एक 7 सीटर फैमिली कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप अर्टिगा का ऑप्शन सबसे पहले रख सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस टैग में ये गाड़ी सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से अवेलेबल होने वाली है आपको। बाकी दोस्तों देख सकते हैं हाइब्रिड इंजन है, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंजन मिल जाता है देखने के लिए, आपको जो बैटरी है वो भी कंजर्वेटिव बैटरी मिलती है। उसके अलावा को ड्राइवर सीट के नीचे आपको एक और बैटरी मिलती है जो लिथियम बैटरी के साथ काम करती है, जो आपकी लाइट्स हेडलाइट्स के लिए, म्यूजिक स्टीरियो वगैरह के लिए काम करती है, पावर विंडो के लिए काम करती है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इंजन आपको मिलता है। इसके अलावा ये एस क्रॉस में ब्रीजा में भी अवेलेबल होता है सेम इंजन, और काफ़ी बढ़िया इंजन है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहाँ ख़त्म, जल्दी इस गाड़ी की एसेसरीज का वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर रहूँगा आपके सामने दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में।